हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। भाई आज की वीडियो में कुछ मस्त मस्त चीजें होंगी, जैसे कि मैंने कोई और वीडियो तो देखी नहीं, आप लोगों ने भी शायद पहली बार देखा होगा कि हम कैट को ट्रेन कर रहे हैं। तो मैंने हल्का सी ट्राई करी है हेला को ट्रेन करने की, सीट की कमांड दी थी और वो मान रही है, तो बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और हाँ, जिसने थोर और हेला का चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई रिक्वेस्ट है, कर लो सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके अंदर हम वीडियोस डाल रहे हैं। अभी एक वीडियो डली हुई है, उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो, और अब उसमें नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। ये हमारा मोटू भैया बैठा है नीचे और अब हेला बांदरी को नहलाया जा रहा है, बिकॉज इसके पैर पंजे, सारे पंजे है ना मम्मी, पीले पीले हो गए थे, ऐसा लग रहा था इसने येलो कलर के जूते पहन रखे हैं। मानते नहीं ना, गंदगी मांग लो भाग जाए, गंदगी में भाग जाए, सफाई करेंगे तो आगे पाओगे। देखिए कैसे झाड़ू निकाल लगी सबके, इसका ये सही है, वॉश बेसिन में बैठ के ना लगती है, पूरी बॉडी पर तो प्रेशर से डालती हूँ पानी। और जब इसका मुंह धोना होता है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत शैम्पू रहे वगैरह वो को नहीं, इसके कारण ऐसे करके ऐसे और ये कानों पे नहीं जाता, कानों के अंदर में जाने नहीं देती, बस वो ही है ना मेन चीज, कानों के अंदर है। चलो मैंने ड्रायर तो मार दिया हेला को, अब थोड़ा बहुत सफाई है हेला खुद भी कर रही है, इसको थोड़ी सी ट्रीट दे देते हैं, खुश हो जाएगी। हेलो सेट, हेलो सेट, ये ले आ जा, हेला सेट 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 नहीं बैठ, हाँ 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 सेट 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 नहीं, हेला बेटी सेट 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 हाँ सेट सेट हाँ ठीक है, शाबाश, नहीं स्टे सेट, मैं दे रहा हूँ तेरे को, दे रहा हूँ सेट। भाई मैं हेला को ट्रेनिंग करनी सिखा रहा हूँ, चलो जैसे अभी आपने देखा है बैठ गई थी, तो देखते हैं वापिस और करेगी, फिर अगर बैठ जाती है तो मैं इसको भी ट्रीट अभी के अभी दे देता हूँ। ये ले हेला, आ जा हेला, सेट सेट, शाबाश बच्ची, नहीं स्टे स्टे सेट। मेरे साथ कोई और कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, तो मैं हेला को अब मैं ही खिला रहा हूँ, तो जैसी क्लिप आती है भाई एक बार थोड़ा सा ऑपरेट करना। हेला को बहुत पसंद आ रही है ट्रीट, इमोशनल मेरे ताऊ जी का, एक्चुअली मैं मेरे मौसा जी को ताऊ जी बोलता हूँ, तो ताऊ जी को भी नहीं पता कि मैं कब से बोल रहा हूँ, बचपन से बोल रहा हूँ ना ताऊ जी आपको, है ना। और मैं सबको ही ताऊ जी बोलता हूँ, सबको ही ताऊ जी, मेरी मम्मी सबसे छोटी है। हाँ तो ताऊ जी और मौसी जी की अब एनिवर्सरी का केक कट रहा है, तो सारे रानी पकड़ेगी, हैप्पी बर्थडे तो नहीं कहते, वाह वाह एक सेकंड ना, फिर ठीक है ठीक है, फिर ठीक है, चलो काटो भाई, मैंने सोचा हैप्पी बर्थडे है, वाह भाई वाह, भाई हैप्पी बर्थडे वाला ही गा लो, थोड़े तो पीछे चल, नो नो देख, हेला वहाँ बैठ के देख रही है, चलो अब पहले आप ताऊ जी ने खिलाओ, हाँ हम सब ने तो केक खा लिया भाई, तो अब दादाजी को भी दे आते हैं, दादाजी ऊपर रेस्ट कर रहे हैं ना, साथ में ये भी देख लो, अभी मौसी ने देखा नहीं है टैंक, वो देखें तब रिएक्शन दिखाएंगे आपको। दादा लो लो केक है, मीठा है मीठा, माल है माल, अरे खा के देखो, चॉकलेट है, किसे लग गया ये ले, अरीब ले दादा जी, मुझे कहते कि मैं ना कुर्ता पहन लूं फिर बना लियो वीडियो, मैं आप देखना क्या करूंगा। खालो खालो एक्चुअली कैसी ना भाई, मेरे दादाजी है जैसे वो बिल्कुल देसी आदमी है, वो अपनी धोती कुर्ता पहनते हैं, तो यार वो मतलब इतने कंफर्टेबल नहीं होता घर में, तो टी शर्ट वगैरह सही होती है, तो इसलिए पापा ने दादाजी को टी शर्ट और लोअर दे दिए कि भाई बाबू यहाँ पहनना है,
तो पर वो यूं सोचते कि जब मैं शर्म ना आए इस चक्कर में वो कह रहे थे कि मैं कुर्ता पहन लूं, मैं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा खाना शुरू हो गया है, खाना खा के मिलेंगे। चलो चलो भाई, आदित्य को बुलाया अभी खाना डालने के लिए। पता एक्चुअली क्या हो रहा है, खाने बताऊंगा पहले, एक बार खाना डाल देते हैं। थोड़ा सा दिख रहा हूँ, तुम बिल्ट कर अभी खाने लग जाएंगे, ऊपर आ जाते हैं। आज मैंने फिल्टर भी साफ करा है तो प्रेशर आ गया था, ये पानी गिर लगा। कल कम हो गया था। वो पानी इतना साफ इसलिए है क्योंकि वो थोड़ा उसमें भी मैंने स्पंज लगाया हुआ है ना। हाँ, ये बाकी ये तो अपना काम कर ही रहे हैं। मौसी ने बताया क्या करा, मैं क्या मौसी असली पौधे हैं खा दिया खा के, पर भाई खा के लेके जान लग गई करो मौसी, तू तो इशारा हुआ है कैसी लग रही है मछलियाँ। अगर आप लोग कमेंट में कहोगे ना तो हेला कौन स्विमिंग कराएंगे, तीन पैर की लेकर के आ गई थी, बाकी आप पूरी की लेकर बनाए तो बता दो। वैसे स्विमिंग हो सकती है, आराम से हो जाएगी। थोरू थोरू भी देख रहा है बेटे, लो भाई आज थोरू भी देख रहा है, पूछ भी ला रहा है मछली को देख के, पूछ ला पाए पूरी प्यारा बच्चा है। थोरू ये देखिए खाना खाने लग रही, फ्रेंडशिप करना चाहता है। और दो दिन हो गए मैं कह रहा हूँ आपको प्लांट्स लेके आऊँ, प्लांट लेके आऊंगा, पर थोड़ा सा शेड्यूल ऐसे चल रहा है जा नहीं पा रहा, तो प्लांट्स और भी आने इसके अंदर, तो दो तीन प्लांट्स तो भैया के पास ही पड़े हमारे, वो लेके आने हैं और साथ में फूड ले आता मैं, तो मैं फिर ध्यान से निकल जाता है, कल पक्का लेके आऊंगा। ठीक है आदित्य, ये सेकंड फ्लोर है, थाना होता है ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड, हाँ मैंने फर्स्ट बोला था यार, इतने बोला ही नहीं। अच्छा मतलब वो तो वन लैक करो तभी होम टूर आ जाएगा, पता चल जाएगा कितने फ्लोर है कितने रूम है बस। और थोर क्या 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 है, तू थोर भी क्या क्या करो भाई, वन के कह रहा हूँ, 100K हाँ मेरा दिमाग है भाई, पता नहीं मैंने बहुत देर तक सोचने के बाद एक डिसीजन लिया है। पता है क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है डोरा फिर बच्चे देगी, थोड़ा सा इसमें एग्रेशन भी आ रहा है, ऊपर से इसकी जो बेली है वो बहुत ज़्यादा फूली हुई है, एग्रेशन क्या अपने दूसरे जो बच्चे उनको भी भगा रही है ये, तो इसका मतलब ये बच्चे देने वाली है और इसका पेट भी बहुत ज़्यादा फूल गया है, और मैं नहीं चाहता इस टैंक में ये बच्चे दे दे, क्योंकि अगर इस टैंक में देगी तो मैं और फिश नहीं डाल पाऊंगा, और डाल दी तो वो उनको खा जाएगी, तो मैंने सोचा है कि और अगर इसको वहाँ छोड़ दिया डोरा और नीमो वाले में, तो नीमो फिर वापस बच्चे करवा देगा इसके, तो ये चीज सोच समझ के अब हमने डिसीजन लिया मैंने आदित्य ने, डोरा को तो हम छोड़ के आ रहे हैं नीचे और नीमो को शिफ्ट करेंगे इसके अंदर जब तक और चीजें ठीक नहीं होती। एक ये हमारा ताजा नेट और एक मग के साथ, इस मग के अंदर जो पानी डालना है ना वो यही पानी रखना है, इतना बहुत पानी इसके अंदर, इसको नीमो डोरा को पकड़ के डाल देंगे और इसी में नीमो को उठा देंगे। खाना खुना खा लिया है डोरा ने, आराम से आ गई बिट्टी, आराम से बैठ गई है, शिफ्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो अभी हम आए हमारी शूट ओवर है टॉर्च के साथ, और टॉर्च के साथ इसमें दिखाओ मुझे कुछ नहीं दिख रहा, या कसी धरा साइड में एक बार नींबू पकड़ में आ जाए। अभी हमने आज ताजा पौधा लगाया है, देखो वाइट बैंगन का, वाइट बैंगन ऐसा ही कुछ था पता नहीं, दिखा डोरा नीमो है कहाँ पे, इधर से था इधर से, और एक ग्रीन पानी भाई इस वजह से है, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर है ना, इसलिए इसका हम कुछ इलाज ढूंढेंगे। अब ऐसे मत कहना कि पानी गंदा है, साफ नहीं करते रोज करते भाई, यार देख इतने बच्चे हैं, ऐसे नेट मारा था इसमें फंस गए, ये रहे इधर शायद निकल गया। अरे वहाँ नीमो कुकर आ हुआ भाई, अंदर मार के लिया पूरा, ओ ओ एलगी ओ आगे आ गया, इसके अंदर ही है, आगे इसके अंदर ही है, वाह भाई साहब वाह, एक बच्चा भी है, मौज कर दिया आपने तो। अरे एक बार डोरा से मिला दे इसका, एक मिनट डाल दे यार, ये तो बढ़िया काम हो गया, देखा हमारे टाइम में मछली इतनी है। चलो ये देख कितने बच्चे आगे बीच में, अभी सही ये देखो, ये छोड़ देंगे, ये
नीमो हाई हेलो कर। अब भाई डोरा को डाल देते इसमें, ये रही डोरा। ओके डोरा घुमाओ अपने टैंक में, बाय बाय। तो ये रहा भाई हमारा नीमो। बड़ी मेहनत के साथ हम 6 फ्लोर चढ़ के आए हैं। 6 कैसे कि हम बताते हैं 6 कैसे कि 3 तो हम नीचे गए, 3 ऊपर, तो चढ़ना एक ही बात है। हेलो भाई नीमो, नीमो भाई साहब की पहली एंट्री। बदमाशी खिंडा होगा पूरे टैंक में, पूरी बदमाशी करेगा अभी पूरे टैंक में। अकेला दादा है ये, जा जिंदगी सबके लिए। हमारे पास इक्वालिटी है, देखो सबको ला रहे हैं। हाँ। एक बार मैं हम जन्नत में एक बार सब खुद कर, छोटे बच्चों को भी लिया। मेरी मम्मी पापा को क्या कह रहा था मालूम है, अगर मैं मछली होता तो मेरे लिए तो जन्नत होते भाई। हाँ मानो बता स्कूल एडमिशन के नाम है। आज फिर हमने 5 बच्चों को लिया एडमिशन के लिए। सिम्बा, जनो शेफर्ड, 3 month 15 days, बादशाह भाई भी अपने पास, बादशाह गोल्डन रिट्रीवर 8 month 22 days, लियो स्ट्रीट डॉग है 4 years की फीमेल है वो, मिस्टी पर्शियन कैट हेला के लिए पार्टनर मिली है हमें, 9 month की है वो, बड़ी है कोई बात नहीं, रानी मुंडाल हाउंड 9 month। तालियां से स्वागत किया। तालियां नहीं इसमें दिखाओ एक बार आप। नहीं ठीक था भाई, नहीं, भाई सब ठीक था। नहीं भाई सब नहीं। भाई मैं जस्ट अभी उठे है ना, तो मैंने सुबह उठ के याद आया कि यार एडमिशन तो करे ही नहीं, और हमने लिस्ट तो हम बना के रखते हैं ना, तो मैं कहा मानू एडमिशन तो करे ही नहीं, तो बता बहन तू एडमिशन बता। प्रिंसिपल के मुंह से बताते अच्छा लगता है। क्लासेस अभी जल्दी से शुरू करेंगे क्योंकि लॉकडाउन में चल रहे हैं बहुत सारे, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो बच्चे आते हैं वो बिगड़े। तो आप लोग थोरन हेला का जो चैनल है टेल्स ऑफ थोरन हेला, उसको सब्सक्राइब करो जल्दी से, उस पे ही सीरीज शुरू होगी। ये मानू मैडम अभी नींद में है, इसका कहने का मतलब है कि टेल्स ऑफ थोरन हेला के नाम से हमने नया जो चैनल बनाया, जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बोला था, बाद में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं वीडियो पूरी देख ले फिर करेंगे और बाद में भूल जाते हैं, तो इसलिए लास्ट में भी रिमाइंडर डाल देता हूँ कि हमने थोर का नया चैनल बनाया, थोर और हेला का, टेल्स ऑफ थोर एंड हेला के नाम से। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसकी पहले इंट्रो वीडियो भी डल चुकी है और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, और उसके अंदर ये एडमिशन सीरीज चलेगी। जितने भी बच्चे ये हम डाल रहे हैं जितने भी बच्चों का हमने एडमिशन करा, तो उनकी क्लासेस दूसरी तरफ चलेगी, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बाकी टेल्स ऑफ थोर एंड हेला लिखोगे तो वो आ जाएगा चैनल। जैसे कि उन्होंने बोला कि कई लोग बोलते हैं पूरी वीडियो देख के याद आएगा, तो वैसे लोग मेरी मम्मी है, पता है क्या करती है मम्मी, स्टेटस लगा रही होती है कि वीडियो आ गई नहीं, तो थंबनेल लगा के छोड़ देती है, फिर थोड़ा दिखा से 4-5 घंटों बाद याद आते हैं क्लिक भी लगाना। चलो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।